चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो सबसे पहली जो स्पेशल सीरीज है वो ये है, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 एन। ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो भाई सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए भाई इसको तो देख के कोई बच्चा भी कर ले, तुम लोग बच्चे ही हो तो कर लोगे, क्योंकि ये तुम लोग को पहचान में आ रहा है। ये तो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, हाँ या ना? ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? n/2 (2)(1) + (n-1)(d). तो n/2 (2)(n-1)(n)(n+1)/2) ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। कोई दिक्कत है इसमें? इससे आसान और कुछ जीवन में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा है कि भाई ये तो फुद्दू सा सीरीज था। ठीक है, हम जब बात करेंगे तो अच्छा कुछ बात करते हैं। चलो, तो दूसरा है 1² + 2² (+3² + 4² + …n² तो ये क्या है भाई? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब पहले एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम कितना होगा। अब ये निकालना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ना तो ये एपी है, ना तो ये जीपी है, ना तो इसका कुछ अपने को पता है, हाँ? तो देखो ऐसा करते हैं कि एक चीज़ देखो, के का क्यूब माइनस के माइनस वन का क्यूब। तो के का क्यूब ही है, के माइनस वन का क्यूब कितना होता है? के क्यूब माइनस वन माइनस थ्री, ए स्क्वायर भी होता है ना, तो माइनस थ्री के स्क्वायर और माइनस थ्री के, हाँ या नहीं? तो ये के क्यूब कटेगा, k³ - k³+1+3k² + 3k। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो मैं k³ - k-1 का क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? 1+3k² + 3k, हाँ या नहीं, बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? एक सेकेंड, ये यहाँ पे प्लस थ्री के होगा ना यार, a³ - b³ (a³ + b³) होता है, प्लस थ्री ए स्क्वायर भी होता है ना फॉर्मूला, a³ + b³ + 3a² + 3ab² ठीक है, तो यहाँ b की जगह माइनस बी डालो ना, तो ये a³ - b³ - 3a² + 3ab² हो जाएगा ना, a - b³, तो ये प्लस रहता है ना, तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ ये बनेगा 1+3k² - 3k। ठीक है कि नहीं? अब देखो एक जादुई चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, जो तुम लोगों ने पहले कभी देखी नहीं होगी, मतलब एक मजाक जो कुछ अलग है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, k³ और ये उससे एक छोटा नंबर है। ठीक है, सबसे पहले मैं k की वैल्यू 1 रख के देखता हूँ, तो 1³ - 1 - 1 का क्यूब क्या होगा, मतलब 1³ - 0³ होगा, कितना आएगा? k की वैल्यू क्या डालनी है? 1 डालनी है, तो 1+3×1² - 3×1, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। अब अगला, k की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2³ - 2 - 1 का क्यूब क्या आएगा? 2³ - 1³ क्या आएगा? 1+3×2² - 3×2, बोलो ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब 3 के साथ, तो 3³ - 2³, अब लिखना जरूरी नहीं है ना, समझ रहे हो तुम लोग ना, 3×3² - 3×3, ऐसे ही जाते जाते nth टर्म आएगा, n और n-1 का क्यूब, ठीक है ना, n³ - n-1 का क्यूब क्या आएगा? 1+3n² - 3×n, हाँ या नहीं, बोलो। ठीक है, तो एक काम करो, इन सब को अगर जोड़ें, इन सब को अपन अगर n इक्वेशंस एज्यूम कर रहे हैं, तो सब को जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा बताओ? ऐसा नहीं दिखता, ये n इक्वेशंस है तुम्हारे पास, तो जब ये दोनों जोड़ेंगे, देखो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से काट देता हूँ, तो ये 1³ गया,
टू क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, थ्री क्यूब, फोर क्यूब, फोर क्यूब, ऐसे ही कटता जाएगा ना। तो ऐसे ही यहाँ एन माइनस वन क्यूब ये कटेगा। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या बच रहा है जरा देखो तो, इधर में क्या बच रहा है, वन का क्यूब। अरे वन का क्यूब तो कट गया है ना, जीरो का क्यूब और एन का क्यूब। तो एन का क्यूब अब माइनस जीरो का क्यूब की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो तो ये वन कितनी बार जुड़ा रहेगा, वन 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 एन इक्वेशन एन बार, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन में थी एन टाइम्स। ठीक, अब ये देखो ये वाला थ्री और ये सब क्या है, थ्री इंटू वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, ऐसे करते करते एन स्क्वायर। तो मैं क्या करूं, ऐसा लिख दूं क्या, प्लस थ्री वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ऐसे करके एन स्क्वायर, हाँ या नहीं बोलो। और इधर वाला देखो थ्री फिर कॉमन लोगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस ऐसे एन है ना, तो प्लस थ्री तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऐसे करते करते एन तक। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ये अपन को चाहिए था, हाँ या नहीं। तो एक काम करते हैं, एन का क्यूब इज इक्वल टू ये वन एन टाइम्स जुड़ेगा तो एन मिलेगा, प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है प्लस थ्री, ये अभी सॉल्व किए हैं शायद थोड़ी देर पहले, लिटिल मी एक आध मिनट पहले, क्या था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, हाँ या नहीं। इसको और इसको इधर पार्सल करते हैं तो क्या लिखेंगे, थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यूब। कहाँ पे ये कहाँ ये, हाँ ये वाला स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो ये एन क्यूब माइनस एन माइनस थ्री इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है कि नहीं बोलो। तो एक काम करते हैं इधर एलसीएम लेते हैं, चलो तो टू एलसीएम लोगे या सब में एन कॉमन है ना, एन को कॉमन निकाल लो, एन को कॉमन निकाल लो और ये थ्री भी चला जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, चलो एन को कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा एन स्क्वायर, यहाँ से क्या माइनस वन और यहाँ क्या माइनस थ्री एन माइनस थ्री, हाँ या नहीं बोलो। और नीचे क्या है टू। ठीक है, तो एन बाई सिक्स और ये देखो ये क्या है एन स्क्वायर माइनस थ्री एन और माइनस फोर, हाँ या नहीं। ये इसको फैक्टराइज करते हैं, चलो तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है क्या, एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस एन माइनस फोर। तो यहाँ से एन लेंगे तो एन माइनस फोर, प्लस वन लेंगे तो एन माइनस फोर, तो एन प्लस वन और एन अरे यार ये फोर रहेगा ना, तो एन प्लस वन एन माइनस फोर, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है कहीं पे मेरे हिसाब से, क्योंकि टू एन प्लस वन आना चाहिए यहाँ पे। देखो तो कहाँ मिस्टेक हुआ, कहीं प्लस माइनस में गलती हो गया लगता है। ठीक है, क्योंकि एन प्लस वन तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरा वाला आइटम गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, क्या गड़बड़ हो रहा है, टू एन प्लस वन आना चाहिए, ये मेरे को याद है। 2n प्लस वन देखो किधर आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ, ये देखो यहाँ पे एलसीएम लिए थे ना, तो ये 2n स्क्वायर होगा और ये 2 होगा ना यार, तभी तो मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये क्या मिलेगा, 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5 मिलेगा। इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या इसको करना है अपन को, 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5 को करना है। तो अब इसको क्या लिखें, तो ये माइनस टेन हो रहा है, माइनस फाइव इंटू टू को जोड़ने से मिल जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, तो टू एन स्क्वायर माइनस फाइव एन, फिर भी नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, क्यों, माइनस फाइव एन प्लस टू एन
माइनस फाइव, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 2n माइनस फाइव मिलेगा, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2n माइनस फाइव मिलेगा। तो ये n प्लस वन और 2n माइनस फाइव कहाँ से आ जा रहा है अपना, 2n प्लस वन आना चाहिए, 1 अभी भी कहीं पे छोटी सी गड़बड़ी है, माइनस थ्री एन माइनस थ्री, देखो एक बार खोजो तो देखो, बहुत छोटी सी छोटी गलतियों की वजह से ना क्वेश्चन गड़बड़ होते रहता है। अब देखो बहुत सिली मिस्टेक है जो तुम लोग हमेशा करते हो, वन 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 प्लस में है ठीक है, थ्री एन स्क्वायर प्लस में है ठीक है, माइनस थ्री है ना, यहाँ अपन प्लस ले लिए, वेरी सिली मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। तो ये उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और ये जो है ये प्लस में मिलेगा ठीक। तो अब अपने को जो मिलेगा वो 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 1 रहेगा। अब इसको करके देखते हैं, ये तो आ जाएगा मेरे हिसाब से, अब तो और कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होगा, माइनस प्लस 3n प्लस 1, तो ये क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, तो 2n कॉमन लेंगे तो n प्लस 1, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 आ गया। तो अब इसको फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, n बाई सिक्स इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो ये एक से कई सारी चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे सिली मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक, माइनस को नहीं देखना और कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, पूरा आंसर ही नहीं आ रहा है ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से करना होता है। चलो इसके बाद अब देखेंगे, स्क्वायर हो गया तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम भी देख सकते हैं हम लोग, इसको नोट करो फिर उसको देखते हैं। चलो तो अब देखते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो अपने क्या निकालना है, ये वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब ठीक है। तो जैसे स्क्वायर का जब फाइंड कर रहे थे तो अपन क्यूब लेके चले थे, तो जब पावर फोर के लिए करना है तो यहाँ पे अपन पावर थ्री लेना है तो पावर फोर लेके करते हैं, तो एन की पावर फोर या के की पावर फोर लेते हैं, माइनस के माइनस वन की पावर फोर, या इसको ये नहीं लेते, सिंपल वाला लेते हैं, k प्लस वन की पावर फोर माइनस k की पावर फोर ठीक है। अब इसको तुम लोग k प्लस वन की पावर फोर निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो ये होगा k स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के इंटू के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको जो मिलेगा वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन, ये मिलेगा ठीक है। तो ये तुम्हारा काम है, इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू पाना ठीक। अब वही सेम प्रोसीजर इसमें देखते हैं, k की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, वन का क्यूब माइनस जीरो का क्यूब इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो वन मिलेगा, या मैं लिखता हूँ ऐसे, फोर इंटू जीरो का क्यूब प्लस सिक्स इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस फोर इंटू जीरो प्लस वन ठीक। फिर क्या करें, अब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0 ठीक है। फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस ये 1 ठीक है। ऐसे ही n टर्म्स तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस वन का क्यूब माइनस n का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू n का क्यूब प्लस 6 इंटू n का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1 ठीक है कि नहीं। अब अगर यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसीजर है, इन दोनों को जोड़ दो, सारे n इक्वेशंस को ऐड करो तो देखो क्या क्या मिलेगा, ये गया ये गया ये गया, ऐसे ही ऐसे कटते आएगा और ये भी कट जाएगा, सॉरी कौन सा कटेगा, hmm,
एन क्यूब ये वाले कट रहे हैं ना, तो ये बचेगा ये, ठीक है, तो ऐसे कट जाएगा सब। ठीक, अब वही इनको जोड़े हो तो दोनों साइड से लिखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा तुमको, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? अरे 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 अरे, गड़बड़ हो गया, क्यूब थोड़ी ना है, पावर फोर ना है, पावर फोर है, ठीक, पावर फोर था। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला अपने को, एन प्लस वन की पावर फोर माइनस जीरो की पावर फोर, और राइट हैंड साइड में आंखें खोल के देखना, फोर को ब्रैकेट में वन क्यूब टू क्यूब से एन क्यूब, फोर ब्रैकेट में वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस ऐसी करके एन क्यूब, ठीक है। फिर देखो सिक्स और ब्रैकेट में वन स्क्वायर टू स्क्वायर, ठीक है ना, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस ऐसी करके एन स्क्वायर, ठीक है। फिर फोर वन से एन तक, वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसी करके एन तक, ठीक है। और फिर वन कितनी बार जुड़ेगा, एन टाइम्स, क्या लिखेंगे, वन प्लस वन प्लस ऐसी करके कितनी बार, एन टाइम्स, ठीक कि नहीं बोलो। तो इधर क्या है, एन प्लस वन की पावर फोर है, और उधर क्या है, फोर इंटू ये तो अपने को जो चाहिए था वो है, और ये मालूम है ना अभी वन, ये क्या निकाले, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक। और ये क्या निकाले, फोर इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है ना। और ये क्या है, एन, तो ये तीनों को इधर पार्सल कर देते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, फोर इंटू वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब ऐसे ही करके एन क्यूब, क्या मिलेगा भाई, तो एन प्लस वन की पावर फोर, ये सिक्स सिक्स कट जाएगा, ये टू टू जब फोर हो जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन, ठीक, और प्लस एन, ठीक है कि नहीं, यही मिलेगा, बहुत लंबा मिला ये तो वैसे, ठीक है। अब इसको अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो n प्लस वन की पावर फोर पहले निकालो, n प्लस वन की पावर फोर मैं लिख दे रहा हूँ, इतना ही आएगा, तुम लोग निकाल लेना, n की पावर फोर प्लस फोर एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फोर एन, ये मिलेगा। और ये तीन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो n को छोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा, टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन, और फिर प्लस टू, और फिर एन स्क्वायर प्लस एन, और फिर प्लस एन, ठीक है, एन की पावर फोर प्लस फोर एन क्यूब। अच्छा एक सेकेंड, ये सब प्लस में थे, ये उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आइटम हम लोग लिख रहे हैं प्लस एन के साथ, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा, ठीक है। प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस, ये एन मल्टीप्लाई होगा तो टू एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर माइनस एन, नीचे क्या है भाई, माइनस टू एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस एन, ठीक है। अब इसमें कुछ कट भी रहा है, देखो ना, तो ये कहाँ गया, टू एन दो बार आया कि नहीं आया, कहाँ आया है, ये है एन की पावर फोर तो कहीं नहीं है, तो एन की पावर फोर तो बच गया, अब क्या क्या बच रहा है, और देखो ये देखो फोर एन टू एन माइनस एन माइनस एन, ठीक। और क्या कट रहा है, ये टू एन क्यूब है, ये टू एन स्क्वायर है, तो फोर एन क्यूब तो कहीं से नहीं कट रहा मेरे हिसाब से, है ना, लेकिन टू एन क्यूब है, फोर एन क्यूब है, तो क्या बचा, टू एन क्यूब, ठीक। अच्छा अब एन स्क्वायर की बात करें तो सिक्स एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दो 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 चार एक पाँच, तो सिक्स एन स्क्वायर माइनस फाइव एन स्क्वायर क्या बचेगा,
एन स्क्वायर। और कोई टर्म बचा? तो क्या मिला, एन की पावर 4 प्लस 2n³ प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर एन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस 2n+1, है ना। ये तो n+1 का होल स्क्वायर है ना, हाँ। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, 4 से डिवाइड कर देते तो जो रिक्वायर्ड सम है वो फाइनली क्या मिलेगा अपने को, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी प्लस माइनस में, बट ध्यान से करने से मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक, चलो नोट करो। चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं अब स्पेशल सीरीज पे। और एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये प्यारा सा सवाल, 5 + 11 + 19 + 29 + 41। ना तो ये AP है ना तो ये GP है, इसके पहचान में कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग कुछ देख पा रहे होगे अगर, तो ये देखो 6 5 11 11 8 19 10 29 12, कुछ तो है जो इनके पास है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं S, ठीक है, और एक बार और इसको लिख देते हैं ऐसा, यहाँ से लिखते हैं हम, ऐसे ही nth टर्म तक जाएगा, जाएगा ना। अब जो भी होगा nth टर्म, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं वो nth टर्म इसके लिए an है, यहाँ भी an आएगा, ठीक है ना। अब अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, इधर हो जाएगा जीरो, हाँ इधर तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, 5 + 11 - 5 6 5 11 ना, तो 6, ये क्या होगा, 19 - 11 8 10 12, ऐसे ही करते करते जाएगा, है ना। तो ये कहाँ तक बढ़ेगा, ये वाली जो सीरीज है ये अगर इतने को मैं अलग से देखूँ तो यहाँ तक आएगी n-1 टर्म तक, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर रहे, तो यहाँ से देखोगे तो nth टर्म ये है और ये an बच जाएगा, बट अपन दिस माइनस दिस किए हैं तो इस वजह से यहाँ पे -an मिलेगा, बोलो ठीक है कि नहीं। तो an को इस साइड पार्सल कर लो, तो an इज इक्वल टू क्या मिला, 5 प्लस, ये क्या है, सम ऑफ n माइनस टर्म्स ऑफ ने ap है ना, विथ फर्स्ट टर्म 6 कॉमन डिफरेंस 2, दिख रहा है, तो क्या होगा, n/2 × 2a 2 × 6 + n-1, n कितना है, n-1 ही है, इसमें और -1 इंटू डी कितना है, 2, ठीक है। तो ये ब्रैकेट यहाँ पास में लगा लो, तो 5 + n-1/2 = 12, और ये n-2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2n - 4, ठीक है। तो 5 + n-1/2 ये हो गया, इतना हो जाएगा 2n + ये कितना, 8 4 12 8 बचा, ठीक है। तो 2 से अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो क्या मिला, 5 + n-1 × n + 4, तो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, n² - n n² - n + 4n - 4। तो ये जो nth टर्म हम लोगों को मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है भाई, n² + 3n + 1, ये मिला क्या, n² + 3n + 1 मिला, बताओ किसी कोई दिक्कत है n² + 3n + 1 में, ठीक है। अब ये nth टर्म मिल गया ना, तो अगर सिग्मा में अपन को निकालना है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n an, तो ये अपने को सम ऑफ n टर्म्स मिलेगा, मतलब सिग्मा n² + 3n + 1 करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। तो Sn क्या हो जाएगा, σn² + σ3n + σ1। अब σn² सम ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या आया था, n × n + 1 2n + 1 / 6,
प्लस थ्री बाहर चले जाएगा, सिग्मा एन क्या मिला था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये क्या एन आएगा, ठीक है कि नहीं। अब सब में एन है कॉमन ले लो, और सिक्स है तो सिक्स एलसीएम ले सकते हैं, लास्ट में लेंगे चलो। तो ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई करते, सिंप्लीफाई करना है इसको, इसको ऐसे अपन लिख नहीं सकते, वैसे बुक में भी सिंप्लीफाई किया है तो हम लोग भी करेंगे। तो n कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ n इंटू टू एन, टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस, ये क्या है भाई थ्री बाई टू, ये ऊपर में क्या है थ्री एन प्लस थ्री और प्लस n, ठीक है कि नहीं। तो n लिए, अब एलसीएम लेने का समय आ चुका है, और एलसीएम को बाहर भी लिख दिया जाए, ठीक है। तो ये तो नहीं बदलेगा, टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस, अच्छा एन प्लस टू एन कितना थ्री एन प्लस वन, हाँ बोलो। अच्छा हाँ ये वन हो जाएगा, यहाँ एन कॉमन ले लिए ना, तो ये वन हो जाएगा, बहुत बढ़िया शाबाश। तो ये हो गया एन टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन। अब ये देखो ये टू थ्री है, तो यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो नाइन एन प्लस नाइन प्लस सिक्स। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गंदा आ रहा है। तो n बाई सिक्स, ये क्या है टू एन स्क्वायर प्लस नौ तीन बारह एन प्लस नौ छः पंद्रह और एक सोलह। तो अगर इसको देखा जाए तो दो कॉमन निकाल लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं, तो n बाई थ्री, इधर क्या मिला n स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस एट। इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ये फोर और टू दिख रहा है मेरे को, है ना, चार दुनिया आठ और चार और दो छः, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री। तो मिल गया अपने को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस स्पेशल सीरीज, जो कि क्या मिला n इंटू एन प्लस टू एन प्लस फोर बाई थ्री, समझ में आया। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी सीरीज अपने को मिलेगी जिसमें कि अपन नहीं देख सकते डायरेक्ट कि ये एपी है कि जीपी है, तो ये पार्शियली एपी बीच में मिला, जिसकी वजह से एंथ टर्म अपन फाइंड कर पाए। तो पहले क्या करेंगे, इस तरीके से एस तो जीरो हो जाएगा, एंथ टर्म मिल जाएगा अपने को, एंथ टर्म मिल जाएगा तो सिग्मा लगा दो। अभी तो देखे हो ना, सिग्मा एन निकाले, सिग्मा एन स्क्वायर निकाले, सिग्मा एन क्यूब निकाले, उसको मैंने सिग्मा में नहीं लिखा, बट है तो वो सिग्मा ही ना, समेशन, ठीक है। चलो नोट करो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज व्हिच एंथ टर्म इज एन इंटू एन प्लस थ्री। एंथ टर्म बोल रहा है क्या है, एन इंटू एन प्लस थ्री। अरे इसने तो कुछ मेहनत ही नहीं कराई, एन टर्म को क्या लिखोगे, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, ठीक है ना। अब सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू एन, ए एन जो है ये एस एन होगा, और ये क्या होगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, ये क्या होगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस थ्री सिग्मा एन। सिग्मा एन स्क्वायर कितना, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स और थ्री। सिग्मा एन कितना, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो भाई एन बाई टू तो कॉमन निकाल लो, अब मल्टीप्लाई करो। अच्छा एन बाई टू, यहाँ थ्री रहेगा, तो ये क्या होगा टू एन स्क्वायर प्लस, देखो टू एन और एन क्या मिलेगा थ्री एन और प्लस वन, याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे, प्लस यहाँ क्या मिलेगा थ्री एन प्लस थ्री। अब एलसीएम ले लो एन बाई टू, तो टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन प्लस नाइन एन प्लस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो एन बाई टू है और क्या है नाइन और थ्री ट्वेल्व एन, तो टू एन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एन प्लस नौ और एक दस, तो दो से डिवाइड कर देंगे तो n क्या बचेगा भाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे तीन भी है ना, ये थ्री, तो n बाई थ्री, अंदर दो से डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस फाइव। अब इसको ब्रेक करना है, n बाई थ्री एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन है ना, तो दो और तीन तो नहीं होगा, पाँच और एक पे जाएगा, तो ये n प्लस वन और n प्लस फाइव आएगा, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो अब एक्सरसाइज 9.4 में 10 सवाल है, उन सबको ट्राई करो और इन्जॉय करो।